हजरात वेलकम बैक टू असलम अनाय। मेरे साथ मौजूद है हमारी एक्साइटिंग ऑडियंस। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अस्मावे अमान। इसका क्या मतलब है भाई? आसमान। आसमान, वाह भाई वाह, लग भी रही तुम बिल्कुल आसमानी कलर पहन के आई हो। तो सवाल लाई हो जी। आसमान पूछो। सर मेरा आपको दोनों से सवाल है कि आप रिंग के बाहर भी कभी झगड़ा हुआ है आपका? ऐसा होता है, पहलवानों के झगड़े होते हैं। हम तो झगड़ा करने के भी पैसे लेते हैं, जब हम फाइट करते हैं तो उसके हमें पैसे मिलते हैं, तो हम मुफ्त में झगड़ा झुगड़ा नहीं करते। वाह, ये पहलवानों के कान यहाँ से फ्लैट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि आप कान पकड़ के ही नहीं, वो कान ही पकड़ के ये लगता है इधर अपना ओके। और आपके नहीं हुए भाई? अरे मेरा ये नए कान लगवाए, नए कान जीरो मीटर कान, मैंने जरा एहतियात किया। हम कॉमेडियंस के भी टूट जाते हैं दिल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महक नवीद। अरे कितने मुश्किल नाम है, हिक नवीद नहीं, महक नवीद। महक नवीद जी, वो तेजी से निकल गई ना महक जी। तुम आती जाती होगी, लोग कहते होंगे महक आ रही है जी, महक जा रही है। वाह, महक क्या करती हो तुम? मैं स्टडी करती हूँ। अच्छा क्या पढ़ती हो? मैं FSC मेडिकल जी। अच्छा, कोई सवाल लाई हो? जी मेरा जमान अंकल और इनाम अंकल दोनों से क्वेश्चन है। शुक्र है भाई, मुझे उस अंकल ने कहा अल्लाह जिसको इज्जत दे। लोग गोल्ड मेडल जी जीत के आ रहे हैं और अंकल बने फिर रहे। हाँ भाई जी, मेरा आप दोनों से सवाल है कि आपको रेसलिंग करते हुए सबसे बड़ी इंजरी क्या हुई है? क्या क्या बेटा, आपने जो अभी मेरा दिल तोड़ा है ना अंकल, क्या ये सबसे बड़ी इंजरी है। अरे भरे मुंह से अंकल बोल गई हो। मेरा इनाम और जमान अंकल से सवाल। जमान भाई, आपको इंजरी कभी कोई बड़ी मेजर? हाँ जी, मेरा ACL ब्रेक हो गया था लास्ट ईयर 2017 में, घुटना। हाँ, रशिया में ना, मैं कंपटीशन के दरमियान ही ना, तो ACL होता है, वो डैमेज हो गया था मेरा। तो फिर जीरो मीटर लगवाया काबुली। काबुली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? आयमा अस्कर। आयमा क्या करती हो तुम? सर मैं फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। अरे वाह, तुमको सवाल लाई हो? जी सर। पूछो ना। सर मेरा क्वेश्चन क्या है कि रेसलिंग में तो बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के लिए इतने ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट जीते हैं, बताओ जरा इनकी ड्राइविंग फोर्स क्या है, इनके पीछे दुआ किसकी है, मतलब जिस बेस पे इन्होंने इतना ज्यादा कामयाबी हासिल की है? बट दोनों तो सवाल है, इनाम भाई शुरू कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जितने भी मेडल हैं एक बंदे के नहीं है, एक पूरी टीम इसके पीछे होती है। मैं दो लोगों की टीम। जी जी, दो लोगों की। इसके अलावा भी आप ये देखिए कि जो हमारे डिपार्टमेंट है जो हमें सपोर्ट करते हैं, जैसे मैं आपको वापडा की तरफ से खेलता हूँ, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, उसके बाद फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं, उसके बाद वो तमाम खिलाड़ी जिनके साथ हम अपनी एक्टिविटी करते हैं, गेम करते हैं, और स्पेशली फिर जो पेरेंट्स हैं उनकी दुआ के बगैर। ताया का बेटा, ताया का बेटा, ताया का बेटा, बिल्कुल। उसने भी वो कुटता रहा जिंदगी। देख लो भाई, तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, मुझे डांटता है, कहता नाम नहीं ना, नाम लेते भाई, नाम ले लिया भाई, ले लिया, नाम ले लिया, ताया का बेटा ही कहला रहे हो। और उसके साथ साथ बेगम की दुआ, जन्नत की हवा। जवान भाई, जवान भाई को डिफरेंट जवाब है या सेम एज अबव कहेंगे? नहीं, ज्यादातर तो सेम ही है, लेकिन वालदैन जो है ना वो जरा ज्यादा है। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा माशाल्लाह बहुत दुआ करती हैं, जब तक मैं फाइट लड़ता रहता हूँ वो मसल्ले पर बैठी रहती हैं, तो उनकी दुआओं का ही नतीजा है सारा कुछ। और मेरे वालद साहब ने तो बहुत ज्यादा मेहनत की है हर एक के ऊपर। साबिश भाई, जो एक बहुत अहम चीज है वो ये है कि जिस दिन हमारी फाइट्स होती हैं, हमारे पेरेंट्स, वालदा, वालिद, इवन जो हमारे भाइयाँ, वो तमाम रोजा रखते हैं और दुआ करते हैं, तो ये इसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है। मुसलमान का सबसे बड़ा त्यारी दुआ है। वेरी गुड।